हाय फ्रेंड्स, तो आज के इस क्लास में हम लोग यूवी अनरैपिंग के बारे में जानेंगे। तो यूवी अनरैपिंग क्या होता है वो देखते हैं। तो जैसे कोई भी हम 2D ऑब्जेक्ट को जब 3D मॉडल के या 3D ऑब्जेक्ट के ऊपर हम लगाते हैं तो उसी को ठीक है यूवी अनरैप करना पड़ता है, मतलब उसको अलग अलग पार्ट में हमको खोलना पड़ता है। ठीक है, तो सपोज कीजिए आपके सामने क्यूब है, तो उसको हम देखते हैं किस प्रकार से यूज़ करते थे। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है ऊपर यूवी एडिटिंग का, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं इसको अनरैप कर दिया, मतलब इसको अलग अलग पार्ट में आपके सामने दिखा रही है 2D जिस सरफेस है उसके ऊपर। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 आपको दिख रहे हैं 6 बॉक्स है, तो ये एक 3D ऑब्जेक्ट है, इसको क्या अलग अलग पार्ट में यहाँ पे दिखाया गया है। तो अगर हम मान चलिए इसके ऊपर हम कोई भी 2D ऑब्जेक्ट को लगाते हैं तभी हम अनरैप करते हैं ताकि हमारा जो मटेरियल है या टेक्सचर है वो अच्छी तरह से हम अपने विश के अकॉर्डिंग इसके ऊपर हम पुट कर सकते हैं, मतलब लगा सकते हैं। तो उसको हम लोग देखते हैं किस प्रकार से करते हैं। सपोज कीजिए यहाँ से मैं कोई भी मटेरियल को उठाता हूँ, यहाँ से गया मैं और जैसे यहाँ पे आपको देख रहा है यहाँ पे बेस कलर में टेक्सचर लेंगे, तो इमेज टेक्सचर यहाँ से आप उठाइए, ओपन कीजिए, पिक्चर में रखे हैं बहुत सारे। तो सपोज कीजिए यहाँ पे मेरे पास के हैं ये खरगोश है, मैं ये लेता हूँ यहाँ पे दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को देखने के लिए मेरे को यहाँ पे मेटल व्यू में आना पड़ेगा, तो मैं मेटल व्यू में आया हूँ। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये खरगोश यहाँ पे मेरे को दिखा रहा है। अभी यहाँ पे काम क्या होगा यूवी अनरैपिंग का वो देखते हैं। तो 1 प्रेस करता हूँ, अभी मैं यहाँ से इसको एडजस्ट नहीं कर सकता हूँ, तो यहाँ से मेरे को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो यहीं से एडजस्ट करने के लिए मेरे को यहाँ पे यूवी अनरैप करना पड़ता है। तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आपको मिल जाता है। सपोज कीजिए कि अब मान चलिए मैं यहाँ से ये फेस सिलेक्शन मोड में जाता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, इसको मैंने यहाँ से जाता हूँ, यहाँ से ये सब सेलेक्ट हो जा रहा है, तो हम इसी मोड में रहते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं और जी प्रेस करके मूव करते हैं। तो आपने देखा कि ये यहाँ से मूव हो रहा है। ठीक है, इसके प्रेस कर दीजिए, तो यहाँ से अलग अलग पार्ट में ये मूव हो रहा है। तो ये तो एक तरह का हो गया कि हम एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे मान चलिए मैं इसको जी प्रेस करके मूव करता हूँ, तो ये आप देख रहे हैं एक प्रॉब्लम यहाँ पे क्या कि ये पूरे मैश के ऊपर ये मूव कर दे रहा है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे एक और ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, तो वो देखते हैं। तो यूवी अनरैप हो गया, आप समझ गए कि ये ए प्रेस कर सेलेक्ट करता हूँ, जी प्रेस करके मैं इस सब के ऊपर मूव करता हूँ, तो ये पूरे सरफेस पे मूव कर रहा है। मैं चाहता हूँ एक एक बॉक्स पे एक एक अच्छी तरह से चीज़ें अरेंज हो, ठीक है, वो मैं चाहता हूँ। तो उसको कैसे करने के लिए, तो जैसे आप देख रहे हैं कि आपका कपड़ा होता है, ठीक है, तो एक कपड़ा होता है, आप कोई सिलवाने के लिए जाते हैं दर्जी के पास, तो क्या होता है एक मीटर या 1.5 मीटर का आपको शर्ट का कपड़ा देता है जो कि आपके बॉडी के ऊपर लेगा। आप पूरे बॉडी के ऊपर एक ही कपड़े को लपेट देंगे तो इधर से खींचेंगे तो उधर से खिंचाएगा, तो ये सही तरीका नहीं है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बॉडी के साइज के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा, हमको कपड़े को कटिंग करना पड़ेगा, तब जाके हाथ के ऊपर अलग डिज़ाइन आएगी, बॉडी के ऊपर अलग डिज़ाइन आएगी, कॉलर के ऊपर अलग डिज़ाइन आएगी। तो सेम हम यहाँ पे भी करेंगे, वो कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो आप ए सिलेक्शन मोड में चले गए और यू प्रेस कीजिए, तो पहले सबसे पहले हमको कटिंग करना, मान के चलिए हम कटिंग करते हैं, इसको अलग अलग पार्ट में शिफ्ट प्रेस करके मैं सबको लेफ्ट क्लिक करके सेलेक्ट कर रहा हूँ। मान चलिए मैंने ये पार्ट को मैंने सेलेक्ट कर लिया, अब मैं चाहता हूँ कि ये पार्ट इस बॉक्स से अलग आए, जबकि मैं इसके ऊपर कुछ भी चेंज करूँ। ठीक है, तो मान चलिए ये हमारा फ्रंट का पार्ट है, यू प्रेस करके और यहाँ पे जब मार्क सिम करेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक रेड कलर का एक लाइनिंग आ चुका है। ठीक है, तो फिर से मैं वापस कंट्रोल जेड प्रेस करता हूँ तो ये सब सेलेक्ट हो चुका है। अभी मैं यू प्रेस करके और जब अनरैप करूँगा तो ये सिर्फ बॉक्स मेरे को यहाँ पे दिखने वाला है, और आपने यहाँ पे देखा कि ये खरगोश है यहाँ पे आ चुका है। मैं इसके ऊपर कुछ भी चेंज करूँगा, ठीक है, तो बाकी कहीं भी इसके ऊपर इफेक्ट नहीं आने वाला। जैसे यहाँ पे देखिए, देख रहे हैं सिर्फ ओनली इसी पे आ रहा है, और ये बार बार मान चलिए अब ये रिपीट हो रहा है, तो रिपीट का ऑप्शन को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे आप देख रहे हैं ये रिपीट का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप क्लिप कर दीजिए
और फिर जी प्रेस करके मूव करेंगे तो रिपीट का ऑप्शन फिनिश हो जाएगा। तो ये हो गया। और मैं चाहता हूँ कि सभी के ऊपर सेम खरगोश इस तरह से ये दिखे, तो इसके लिए वहीं पे आपको कटिंग करना पड़ेगा, जैसे मार्क्सिम हमने किया था सेम करेंगे तो ये हो जाएगा। तो अब मैं फिर से यहाँ भी जाता हूँ और शिफ्ट प्रेस करके इसको सेलेक्ट करता हूँ, और ये ऑलरेडी तो है, ठीक है। तो यू प्रेस करके और यहाँ पर मार्क्सिम करता हूँ, ये सब हो गया। यहाँ पर आप सीधा फेस को सेलेक्ट कर सकते हैं यू प्रेस करके, और यहाँ पर अनरैप करेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ भी खरगोश आ गया और यहाँ भी खरगोश है, क्योंकि ये एक अलग पार्ट हो चुका है। मैं जी प्रेस करके यहाँ पे दिखाता हूँ, ये अलग पार्ट हो गया। सेम प्रोसेस से आप यहाँ भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप एज में जाइए, इसको सेलेक्ट कीजिए, शिफ्ट प्रेस करके इस दोनों को सेलेक्ट करके यू प्रेस करके मार्क्सिम कीजिए, और फेस सिलेक्शन मोड में आके इसको सेलेक्ट कर लीजिए, और फिर यू प्रेस करके अनरैप करेंगे तो खरगोश यहाँ भी आ गया। तो अभी क्या है, खरगोश हम चाहते हैं कि ये भी जैसे यहाँ पे दिख रहा है वैसे यहाँ दिखे, तो सिंपल है, आप इसको रोटेट करके या इधर करके आप इसको आर और कंट्रोल प्रेस करके इस तरह से आप इसको इस तरह से ले जा सकते हैं, ये स्नैप हो जाएगा। देख रहे हैं आप, ये इधर खरगोश आ गया। आप चाहते हैं कि इधर साइड भी हो तो सेम प्रोसेस आप लगा के अनरैप कर सकते हैं, पहले मार्क्सिम करके। मार्क्सिम का मतलब क्या होता है, उसको कट कर देगा उस पार्ट में, और फिर यहाँ पे सेलेक्ट करके और यू प्रेस करके यू प्रेस करके अब अनरैप करूँगा, और फिर से आर प्रेस कीजिए और कंट्रोल प्रेस करके रखिए, और इसको यहाँ पर रोटेट करते रहिए, और फिर इसको छोड़ दीजिए। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये अलग अलग पार्ट में ये हो गया, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ भी ये खरगोश रहे। इसको सेलेक्ट कीजिए और यू प्रेस करके अनरैप कर दीजिए, फिर से सेलेक्ट करके यू प्रेस करके अनरैप कर दीजिए। तो आप देख रहे हैं, अब मैं ऑब्जेक्ट मोड में आता हूँ। तो अनरैप से हमको क्या बेनिफिट मिला कि हर एक पार्ट में हमने क्या किया, खरगोश को यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं, और यू वी अनरैपिंग का यूज़ करके, जैसे हम अपने शर्ट बॉडी के ऊपर कोई भी शर्ट का डिज़ाइन जिस पार्ट में रखना चाहे उस पार्ट में, अगर मैं इसको मार्क्सिम नहीं करता तो मैं एक को मूव करता तो दूसरा पार्ट भी ऑटोमेटिक क्या करता, मूव करता। अभी फ़िलहाल ऐसा नहीं होने वाला है। जैसे मैं इसको यहाँ पर लेके जाऊँ और मैं इसको जी प्रेस करके किधर भी मूव करूँ, तो इससे दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है। क्यों? क्योंकि मैंने सबको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया है, मतलब कट कर दिया है। तो यही होता है यूवी अनरैपिंग का यूज़। और भी बहुत सारे डिज़ाइंस को आप यहाँ पे लगा सकते हैं अच्छी तरह से, ठीक है। तो इसको अप्लाई कर सकते हैं, और यही इसको बहुत अच्छी तरह से यूज़ किया जा सकता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, जब 3D मतलब कि काम कर रहे हैं 3D में सॉफ्टवेयर में, तो आपको टेक्सचर की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि विदाउट टेक्सचर कोई भी ऑब्जेक्ट आपको अच्छा नहीं लगेगा। उसके लिए टेक्सचर लगाना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने ये लगाया, तो अभी मैं 6 प्रेस करते जा रहा हूँ, तो क्या और अलग अलग पार्ट में ये मूव कर रहा है और ये आपको दिख रहा है। तो ये इस तरह से आप इसको बना सकते हैं, और ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर सपोज़ कि इसको मैंने मेटालिक कर दिया, और यहाँ पे जो रफनेस को मैंने कम कर दिया, तो ये देख रहे हैं आप, थोड़ा शाइनिंग टाइप का ये आपको दे दीजिएगा। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। ये ग्लास का शेड आपको दे रहा है, तो इस तरह से आप क्यूब टाइप का बना सकते हैं और बढ़िया से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखकर इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिए। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमको कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट के वीडियो में।